इंटरफेस। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश देते हुए अब यहाँ पर टाटा ग्रुप ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है बैटरी कंपनी शुरू करने के लिए। जल्द ही कंपनी भारत के साथ साथ विदेशों में भी एक न्यू बैटरी कंपनी लॉन्च करने वाले है, जो कि एक पूरी तरह से फ्यूचर रेडी और मेजर ट्रांजिशन ला देगी बैटरी के सेगमेंट में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में तो ये एक बड़ा रेवोल्यूशन लाना चाहते है। आपको इस वीडियो में काफी कुछ बताऊंगी, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि हम अपने कोर बिजनेस को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए बदल रहे हैं। एक ऐसा ट्रांजिशन जहां हम कोर ऑफ बिजनेस में डिजिटल, डेटा, AI एंड सस्टेनेबिलिटी को स्ट्रांगली इंटीग्रेट या एम्बेड कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो बिजनेस में स्थिरता की ओर ट्रांजिशन ला देगा, जिसमें टाटा मोटर्स और इसकी ब्रिटिश लग्जरी यूनिट जैगुआर लैंड रोवर में एक क्लीन मोबिलिटी शामिल है। टाटा मोटर्स का 2025 तक 10 इलेक्ट्रिक मॉडल्स लॉन्च करने का प्लान है, जबकि जैगुआर लैंड रोवर का लग्जरी जैगुआर ब्रांड पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा और 2030 से आपको सारे मॉडल्स इलेक्ट्रिक वेरियंट में नजर आएंगे। बैटरी ब्लूप्रिंट एक रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन स्टोरेज सॉल्यूशन एंड सर्कुलर इकोनॉमी में इन्वेस्ट करके भविष्य के लिए तैयार होने की ब्रॉडर प्लान का हिस्सा है। पिछले वर्ष आपको याद होगा, टाटा ग्रुप 300 मिलियन सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट यूनिट में इन्वेस्ट करने के लिए ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं, और इसके लिए कुछ 3 स्टेट्स तमिलनाडु, कर्नाटका एंड तेलंगाना से बातचीत करने में भी लगे हुए थे। इन सबके साथ अब ये लोग 5G पर भी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके टेलीकॉम गियर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये ग्लोबल मार्केट लीडर बनना चाहते हैं। इस पर भी काफी तेजी से काम हो रहा है। इसने हाल ही में कहा कि आने वाले समय में एक इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट टाटा अविनिया जैसी काफी फ्यूचरिस्टिक कार 500 किलोमीटर एनहेंस्ड रेंज के साथ लॉन्च करने वाले है। टाटा मोटर्स के कॉमर्शियल व्हीकल डिविजन ने अपने पॉपुलर मिनी ट्रक S का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च किया है, जिसकी पूरे भारत में काफी ज्यादा डिमांड हो चुकी है। इस सब के अलावा हाइड्रोजन पर भी इसका काफी स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन है। टाटा कंपनी का कहना है कि वो जैगुआर लैंड रोवर में कुछ हाइड्रोजन फ्यूल सेल जैसी टेक्नोलॉजी लाने वाले हैं आने वाले समय में, जो कि अल्टरनेटिव एनर्जी का परफेक्ट एग्जांपल होंगे। अदर देन दैट, फिर इस हाइड्रोजन को टाटा स्टील और भी उनकी काफी सारी इंडस्ट्री में किस तरह से यूज किया जाए उसके ऊपर भी रिसर्च चल रही है, और जल्द ही हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल की तरह ये लोग यूज करना स्टार्ट कर देंगे। ओवरऑल साफ साफ यहाँ पर देखा जा सकता है कि अल्टरनेटिव फ्यूल्स के माध्यम से एक पूरा सस्टेनेबल मॉडल तैयार किया जा रहा है टाटा के द्वारा। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।